क्यों किया तुमने ये सब कुछ? मैं जानता हूँ तुम इसे पसंद नहीं करती, लेकिन एक बार भी तुमने दादी के बारे में नहीं सोचा। मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ भी किया है इसने किया है। शुरू से लेकर अब तक शी प्लान्ड ऑल दैट, और इसीलिए ये इस घर में नहीं रहेगी। शी हैज़ टू, कहीं नहीं जाएगी। इसको जाना होगा भाई। देखिए तो इसकी तरफ, अरे इसकी तो औकात ही नहीं है इस घर में रहने की। और अगर इसके यहाँ पर कुछ दिन रहने से आपको इसके ऊपर दया आ रही है ना, तो मैं इसको माफ नहीं कर सकती। या फिर अगर आपको लगता है कि ये इनोसेंट है, तब भी इसको यहाँ पर रहने का कोई हक ही नहीं है भाई, क्योंकि आप भूल रहे हैं कि आपका और इसका डिवोर्स हो चुका है। अब ये आपकी बीवी नहीं है। ये मेरी बीवी थी, मेरी बीवी है, क्योंकि हमारा डिवोर्स नहीं हुआ। डिवोर्स नहीं हुआ है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे उस दिन हम सब के सामने आपने साइन किया, इसने साइन किया, वो सब लॉयर्स यहाँ पर आए थे, एंड आई नो देम पर्सनली, सो दे वर नॉट फेक। तो आप अपना डिसीजन मत बदलिए और ये मत कहिए कि वो डिवोर्स नहीं हुआ। तुम वही जानती हो जो हुआ और जो तुमने देखा, लेकिन साइन करने के बाद क्या हुआ वो तुम नहीं जानती। साइन करने के बाद मैं उन लॉयर्स को मिलने अकेले गया था। मैंने उन लोगों से रिक्वेस्ट किया कि वो लोग डिवोर्स के लिए फाइल ना करें, क्योंकि सच जानने के लिए मुझे टाइम चाहिए था। इसलिए मैंने उन पेपर्स को कोर्ट तक पहुंचने ही नहीं दिया। कोर्ट तक नहीं पहुंचने दी? अगर वो पेपर्स कोर्ट में नहीं गए भाई, तो वो कहां है? ये रहे वो डिवोर्स पेपर्स। इनका ना कोई मतलब है और ना ही कोई इंपॉर्टेंस, लेकिन ये आग, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। इसी आग के सामने मैंने इससे रिश्ता जोड़ा था, तो इसी आग के सामने मैं इस झूठ को खत्म करता हूं। अब तो आप सबको यकीन हो गया होगा ना कि हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है। अब तो तुम ये नहीं कहोगी ना कि इसे इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। आलिया, लुक एट योरसेल्फ। आलिया, क्या हो गया है तुम्हें? तुम कभी ऐसी नहीं थी। आई यूज्ड टू बी प्राउड टू कॉल यू माय सिस्टर, लेकिन आज मुझे तुम्हें अपनी बहन कहते हुए शर्म आती है। अगर तुम्हारी जगह पे कोई और होता ना, मैं उसकी वो मदद करता कि वो जिंदगी भर याद रखता। तुमने सबके सामने इसकी इमेज, इसका नाम और इसके कैरेक्टर का मजाक उड़ाया ना, तो अब सबके सामने तुम्हें इससे माफी मांगनी होगी। माफी? वो भी इससे? नेवर। सही कह रहा है आलिया, तुम्हें प्रज्ञा से माफी मांगनी चाहिए। आप बीच में मत बोलिए। जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है, तो मैं माफी क्यों मांगूंगी? गलत तो इसने और इसकी बहन ने किया है मेरे साथ।
और एक बार फिर इसने अपना जादू भाई आप पर चला दिया। अरे मुझे तो हैरानी इस बात की है कि मेरा भाई वो अभी जो पूरी दुनिया को एक नजर में पहचान लेता है वो इस लड़की को नहीं पहचान पाया। वो लड़की जिसके कैरेक्टर के बारे में बस दूसरे के कैरेक्टर पे उंगली उठाने से पहले खुद को देख लो। अरे वो औरत जो दूसरी औरत की इज्जत सबके सामने उछालती रहती है उसे खुद पहले अपने कैरेक्टर पे शर्म आनी चाहिए। शर्म दिस मेकिंग ओवररेटेड। शर्म नहीं आ रही है मुझे अपने ऊपर शर्म। हां मैं बेशर्म हूं, मैं बेशर्म हूं, मुझे इसने बनाया बेशर्म, इसने बनाया मुझे ऐसा। आलिया बहस करने से कुछ नहीं होगा, अपनी गलती मानो। और गलती मैं नहीं, गलती आप कर रहे हो, वो भी बहुत बड़ी गलती। इसे इस घर में वापस बुलाकर। अरे भाई आप नहीं जानते कि इसकी सजा हम सबको मिलेगी। लेकिन आप टेंशन मत लो, मैं आपको ये गलती करने नहीं दूंगी। इसे इस घर से जाना ही होगा। नहीं भाई इसे निकलना ही होगा। नहीं भाई तुम ये मत सोचना कि तुम बच गई, समझे? तुम्हें इस घर से जाना होगा, जाना होगा तुम्हें। I'm gonna throw you out. सॉरी रचना, ये सारी गलती मेरी, पर मैं तो इस काबिल भी नहीं कि मैं तुमसे माफी मांग सकूं। फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर देना। और एक कड़वा सच मैं भी जानता हूं रचना, गलती मानने से इंसान बदलता है, वक्त नहीं, सब पहले जैसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। पर एक चीज मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं कि आज के बाद मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा। तुम पर हमारा ये होने वाला बच्चा मेरी जिम्मेदारी, और मैं जिम्मेदारी को निभाऊंगा। और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए अगर मुझे अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाना पड़ा रचना, मैं जाऊंगा। मुझे अपना घर छोड़ना पड़े मैं छोड़ दूंगा रचना। आई नीड योर सपोर्ट, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा रचना। Can't live without you. भाई मुझे छोड़ दो, मुझे इसके पास जाने दो। भाई आप समझ क्यों नहीं रहे हो? आलिया behave yourself. तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैं ऐसा करूंगी, क्यों ना करूं मैं? उसको इस घर से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। Just let me go. तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ भाई मैं पागल हो गई हूँ, और मैंने आपको कहा है मेरा ये पागलपन तभी दूर होगा जब वो इस घर से बाहर जाएगी, इसलिए मुझे जाने दीजिए। मुझे जाने दीजिए। आलिया क्या क्या हो गया है तुम्हें? आलिया आज तुम्हारी वजह से मुझे तुम पर, आज से पहले मैंने कभी तुम पर हाथ नहीं उठाया, लेकिन आज क्यों कर रहे हो तुम ये सब? मत लीजिए मेरा नाम, आप मेरे भाई नहीं हो। आप मेरे भाई हो ही नहीं, नहीं हो आप मेरे भाई। मेरा भाई मुझे अपने जान से ज्यादा प्यार करता था, और हाँ आपने मुझे मारा। क्यों मारा मुझको? आप मेरे भाई नहीं हो सकते, नहीं हो सकते आप मेरे भाई। क्यों रोक रहे हो आप मुझको? अरे हम यही तो चाहते थे, और सबसे ज्यादा डेस्परेट तो आप थे ना भाई। तो फिर आप क्या हो गया? हाँ
अरे जिस शादी को आप कभी मानते ही नहीं थे, आज उस पे इतना विश्वास हो गया कि आप उसी को सपोर्ट कर रहे हो। जिस लड़की की शक्ल तक नहीं देखनी थी, आज उसकी वजह से आपने मुझे अपनी आलिया को थप्पड़ मारा। मुझे तो समझ नहीं आता भाई, वो अच्छी खासी इस घर से जा रही थी लेकिन आपने उसको रोका। कहीं आपके दिल में उसके लिए फीलिंग्स तो नहीं आ गई ना भाई? आलिया, मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं। और किसने तुमसे कहा कि मैं उसे इस घर में रखना चाहता हूँ? हमारा प्लान उसे मेरी जिंदगी से निकालने का था, उसकी जिंदगी बर्बाद करने का नहीं। और आलिया, मैंने तुम्हें गलत नहीं कहा, मैं तुम्हारे तरीके और सोच को गलत कह रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं एक गलती कर बैठा हूँ। अगर तुमने मुझे फोर्स नहीं किया होता ना, तो मैं वो शादी कभी नहीं करता। यस आलिया, यू फोर्स्ड मी। बिना सोचे समझे तुमने डिसीजन ले लिया और उस डिसीजन में मुझे भी इन्वॉल्व कर लिया। इसीलिए ना, क्योंकि तुम चाहती थी कि पूरब तुम्हारी जिंदगी में है। मैं भी यही चाहता था कि पूरब तुम्हारी जिंदगी में है, लेकिन लेकिन हुआ क्या? वो नहीं हुआ ना जो हम चाहते थे। अरे जिसे हम बुरा मानते थे, हम उसकी नजर में और बुरा बनते जा रहे हैं। दादी इसकी कीमत क्यों चुका रही है आलिया? क्या जरूरत थी उसका MMS बनाने की? बोलो मुझे, तुम्हें पता था ना कि इसका सब पर क्या इफेक्ट होगा? अरे हम तो इससे बच जाएंगे, लेकिन वो बिचारी लड़की किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगी, और मैं दादी की नजरों में गिर जाऊंगा। दादी कभी मुझे माफ नहीं करेंगी, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तुम जानती थी ना आलिया, कि जितना प्यार मैं दादी से करता हूँ, उतना ही प्यार दादी उस चश्मे से करती है। उसके बावजूद तुमने ये सब कुछ किया। तुम्हें पता है कि अगर वो चश्मे से इस घर से चली जाएंगी, तो दादी भी इस घर में नहीं रहेंगी आलिया। और मैं दादी के बिना नहीं रह सकता। मैं अपना नाम, करियर, रेपुटेशन, पैसा सब देने को तैयार हूँ, लेकिन मैं अपनी दादी के बिना जीने को तैयार नहीं हूँ आलिया। मैं किसी से बदला ले सकता हूँ आलिया, लेकिन मैं किसी की जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकता हूँ? इसलिए आलिया प्लीज, तुम्हें अपना ये पागलपन छोड़ना होगा। मैं ये अपना पागलपन नहीं छोड़ूंगी भाई। मैंने अपना डिसीजन ले लिया है और मैं उसे नहीं बदलूंगी। इसे कहते हैं अंत भला सब भला। मेरा दिल शुरू से कहता था कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता। बेटा, औरत का कुमकुम उसके भाग्य से बंधा होता है और उसका भाग्य उसके पति से। फिर भला तुम्हें अभी से कौन कैसे अलग कर सकता था? बुरा तो मुझे इस बात का लग रहा है कि ये दिन देखने से पहले तुम्हें कितना कुछ सुनना पड़ा, कितना कुछ सहना पड़ा। और अच्छी बात यह है प्रज्ञा, कि तुम्हें कोई अग्नि परीक्षा नहीं देनी पड़ी। अभी ने तुम्हारी सच्चाई सबके सामने खुद लाके खड़ी कर दी। आज दीदी होश में होती तो कितनी खुश होती कि अभी ने तुम्हारा साथ दिया, अपनी पत्नी का साथ दिया। सरला जी, हम लोग बहुत शर्मिंदा है और मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से आपसे हाथ जोड़ के माफी मांग। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आइंदा ना आपको ना हमको ऐसे दौर से गुजरना पड़े। जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। यू आर राइट, आज तो हम बाल बाल बच गए। तनु, मैं सोच रही हूँ अगर आलिया के साथ हम दोनों का भी भांडा फूट जाता तो हमारा क्या होता? अभी हम दोनों के साथ में क्या करता? वो आलिया को तो घर के बाहर नहीं निकालेगा, लेकिन हम दोनों को तो सामान के साथ घर के बाहर फेंक देता वो। क्या मेरा मतलब है? तुम्हें नहीं, सिर्फ मुझे। तुम तो ऑलरेडी घर के बाहर की हो ना। चलो
अभी आपको सिर्फ अपने घर से निकालता, लेकिन मुझे वो अपनी लाइफ से भी निकाल देता और मैं उसे हमेशा के लिए खो देती। बट लकीली उसे हम पर शक नहीं हुआ। पर हाँ, हमें नेक्स्ट टाइम बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। केयरफुल? बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। आगे से हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। बदला ना लो। क्यों ना लूं मैं उससे बदला? आप जानते हो उसने मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया। उसने मेरा प्यार मुझसे छीन लिया, मेरा पूरा मुझसे दूर कर दिया, और आप कह रहे हो कि मैं उसे बदला ना लूं? बदला तो मैं उसे लूंगी भाई। She deserves this. आप कह रहे हो कि मैं उससे माफी मांगूं? माफी के नहीं, सजा के लायक है। मन तो करता है कि मन करता है उसका सब कुछ बर्बाद कर दूं। और अगर जरूरत भी पड़ी ना भाई, तो मैं उसे आपकी जिंदगी से बाहर निकाल के रखूंगी, उसे बर्बाद कर दूंगी भाई। उसने आपके साथ कितना कुछ गलत किया है। आलिया, listen to me. Sit up. Tell me, आलिया, ऐसा करने से तुम्हें क्या मिलेगा? होश में आओ आलिया, फेस द रियलिटी। पूरब अब तुम्हारी जिंदगी में नहीं आने वाला। वो पुलपुल से प्यार करता है। और भी तो लड़के हैं ना इस दुनिया में। I promise you, मैं तुम्हारे लिए ना पूरब से भी अच्छा लड़का लेकर आऊंगा, लेकिन तुम्हें अपने आप को बदलना होगा आलिया, तुम्हें उसे भूलना होगा। इसी में हर प्रॉब्लम की सोल्यूशन है। ऑलराइट? सोल्यूशन नहीं है भाई, सोल्यूशन नहीं है। मेरी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन सिर्फ पूरब है। और भाई, अगर मेरे और पूरब के बीच में कोई भी आएगा ना, तो वो मेरा दुश्मन है। दुश्मन है वो मेरा। ए आलिया, आलिया अगर वो मेरा दुश्मन है भाई, आलिया अगर अगर दादी ने उसे रिजेक्ट कर दिया तो आलिया, पूरब ने तुमसे अपनी शादी तोड़ी है। तब से दादी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। वो दोबारा उसे इस घर का दामाद बनने का मौका नहीं देगी। इसलिए अगर दादी तुम दोनों के बीच आती है तो क्या तुम उनकी बात भी नहीं मानोगी? हाँ, ये मेरी लाइफ है। अब मेरी लाइफ में क्या डिसीजन लेना है, इसका फैसला करने का सिर्फ और सिर्फ मुझे हक है। मैं किससे शादी करूंगी, किससे प्यार करूंगी, जिससे मेरा फैसला होगा। और मैं तो पूरब से प्यार करती हूँ भाई। आप लोग क्यों नहीं समझते, मैं पूरब से प्यार करती हूँ। मुझको पूरब चाहिए। और पूरब और मेरे बीच में कोई भी आएगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, फिर चाहे वो दादी हो या फिर आप। सो मच आलिया, मुझे ये बताने के लिए कि हम दोनों तुम्हारे लिए क्या है। थैंक यू हमें ये बताने के लिए कि आप तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि अपनी लाइफ की डिसीजंस खुद ले सकती हो। कहीं पूरब की खुशी में तुम ये तो नहीं भूल गई कि मेरी लाइफ की खुशी सिर्फ और सिर्फ तुम और दादी हो। मेरी लाइफ की इंस्पिरेशन, मोटिवेशन सिर्फ तुम दोनों हो। I have worked so hard in my life so that मैं तुम्हें दुनिया की हर वो खुशी दे सकूं जो तुम चाहती हो। और तुम कह रही हो कि मैं तुम्हारी खुशियों का दुश्मन हूं। तुम पता है आलिया, कितनी रातें मैं भूखा रहता कि मैं तुम्हारा पेट भर सकूं। और दादी, जिसने तुम्हें माँ बाप की तरफ पाल पोस कर बड़ा किया, न जाने कितनी रातें जागती रही ताकि तुम्हें सुला सके। और तुमने हम दोनों को ही, कमी तुम में नहीं, कहीं ना कहीं दादी की परवरिश मेरे प्यार की है कि आज
मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। याद ना आलिया, बचपन से हम हमेशा एक साथ रहे, एक ही रास्ते पर चले, लेकिन आज तुम किसी और ही रास्ते पर चल रही हो। या फिर कहीं ना कहीं मेरी आलिया खो गई है, जिससे हम दोनों नहीं बल्कि सिर्फ अपना पागलपन और पूरब के लिए प्यार नजर आ रहा है। थैंक यू आलिया, मुझे मेरी असली जगह दिखाने के लिए।